तो दोस्तों, सैमसंग ने काफ़ी लंबे टाइम के इंतज़ार के बाद रिलीज़ कर दिया है सैमसंग M32 डिवाइस के लिए न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट। तो आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि इस अपडेट के अंदर हमें क्या कुछ चेंजेस और फीचर्स देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही साथ यार, सैमसंग M32 डिवाइस के अंदर एंड्रॉयड 13 विद 1.5.0 की अपडेट जो है वो कब तक देखने के लिए मिल जाएगी। आज के इस न्यू वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी देने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार विजिट किया यार तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्ले जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल की लिंक देखने के लिए मिल जाएगी, तो आप लोग वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग होम स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सैमसंग ने रिलीज कर दिया है सैमसंग M32 डिवाइस के लिए न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट। बात करें इसके अपडेट फाइल के बारे में तो 311 MB की आप लोगों को अपडेट फाइल देखने के लिए मिल जाती है। 1 सितंबर 2022 का सिक्योरिटी पैच इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ ये अपडेट हमें इंडिया के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। बात करें इसके चेंजेस और फीचर्स के बारे में तो गाइस, यहाँ पे इस अपडेट के अंदर आप लोगों को सिक्योरिटी पैच जो है वो इम्प्रूव देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही साथ सैमसंग के कुछ ऑफिशियल एप्लीकेशन को लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट किया गया है, जस्ट लाइक कि सैमसंग थिंग्स, मेम्बर्स, कैलकुलेटर, ये सभी एप्लीकेशन जो है वो आप लोगों को लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट देखने के लिए मिल जाएगी। और गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अप्रोक्स 300 MB की अपडेट फाइल देखने के लिए मिल जाती। तो ऑब्वियसली यार, इस अपडेट के अंदर हमें कुछ खास चेंजेस जो है वो देखने के लिए नहीं मिल जाती। वैसे अगर बात करें कि सैमसंग M32 डिवाइस के अंदर एंड्रॉयड 13 विद 1.5.0 की अपडेट जो है वो कब तक देखने के लिए मिल सकती है, तो गाइस यहाँ पे देखो, इस साल जो है वो सैमसंग अपने फ्लेक्सीबल स्मार्टफोन के लिए अपडेट रिलीज करने वाला है। तो यहाँ पे सैमसंग M32 के लिए अपडेट जो रिलीज किया जाएगा वो यहाँ पे 2023 में अपडेट रिलीज किया जाएगा, और मे बी आप लोगों को फर्स्ट क्वार्टर में अपडेट जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी, यानी कि जनवरी, फरवरी या फिर से मार्च के मंथ तक जो है वो फाइनली अपडेट देखने के लिए मिल जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे सैमसंग क्या कहता है। वैसे यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल के आती तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।